ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, सो आज मैं पहली बार व्लॉगिंग करने जा रहा हूँ, सो देखते हैं क्या होता है। पता नहीं, कुछ तो करेंगे नया, एंड देखते हैं आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार, इतनी वेट नहीं करते हैं। एंड पहली बार व्लॉग कर रहा हूँ तो ये भी दिमाग में रहेगा कि क्या दिखाओ आप लोगों को, क्या नहीं दिखाओ। एंड मैंने ये व्लॉग जो है छोटा ही रहेगा, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इसको। एंड इसमें आपको दिखाएंगे कि मैं क्या करता हूँ। पहली बात तो अभी मैं सुबह जस्ट उठा हूँ एंड आप देख सकते हो ये पूरा बेड पूरा मेस पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं उठा हूँ गाइस, मैं। और लॉकडाउन में बहुत ही आलसी हो गया हूँ, जो कि आपको दिख रहा है, क्योंकि बाल बहुत ही ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, दाढ़ी वाड़ी कुछ कटाया नहीं है, लुकिंग फुल मैसी। मैस तो मेरे से ही जाता है, मैस मतलब मैं पूरा लेजी हो गया हूँ। देख सकते हो पीछे घड़ी भी है, घड़ी में टाइम बज रहा है, 11:15 होने वाला है एंड मैं सिर्फ 10:30 बजे उठा हूँ नींद से। आलसी हो गए यार, सब के सब आलसी हो गए, मैं तो सबसे ज़्यादा आलसी हो गया इस लॉकडाउन में। बस सोया हूँ, बस और कुछ नहीं किया लॉकडाउन में, बस सोया हूँ। और कितना सोऊँ यार, कितना सोऊँ, रात को नींद ही नहीं आता है, क्या करूँ यार, दिन ही ख़राब जाता है आजकल तो। सुबह उठो, ठीक है, फ़ोन में कुछ काम करो, क्या काम करो कुछ समझ में नहीं आता है, बट कुछ तो करना होता है। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग नए सीक्वेंस पे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या करता हूँ पूरे दिन में। तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बनाएंगे, बट अमेजिंग लाइफ गाइस, अमेजिंग लाइफ। माई लाइफ इज़ नॉट सो इंटरेस्टिंग, सो क्या यार, क्या क्या इंटरेस्टिंग क्या ढूंढोगे, क्या क्या ढूंढोगे, क्या इतना क्या है शौकीन आप लोग। ठीक है गाइस, तो लेट्स मूव ऑन टू द फन पार्ट। तो चलते हैं, दिखाते हैं कि मैं पूरे दिन में क्या करता हूँ। सो गाइस, मैं हूँ अपने किचन में एंड ये है मेरी प्यारी मम्मी, आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, एंड दिस इज माई मॉम एंड बना रही है चाय। और मैं जाता हूँ हॉर्लिक्स पीने, क्योंकि मैं बच्चा हूँ और मैं हॉर्लिक्स पीऊंगा, ठीक है, हॉर्लिक्स पीऊंगा विथ 12 बिस्किट्स। गिन गिन के 12 ही बिस्किट खाना है। कितना बिस्किट खाना है? 12 बिस्किट, ठीक है। सो गाइस, मैंने तो कैलकुलेशन में गलत बता दिया था, 12 नहीं, मेरे को खाना है 9 बिस्किट। एंड एज यूजल मैं मैथ्स में बहुत ही अच्छा हूँ, क्योंकि मुझे स्कूल में एक बार 0 मिला था। हाँ गाइस, 0 मिला था। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में ये बताओ यार, किन लोगों को यार 0 मिला था मैथ्स में, यार बताना ज़रूर मेरे को, क्योंकि मैं तो बड़ा माहिर था। और ये है मेरा हॉर्लिक्स जो मैं पीने वाला हूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी माय हेल्थ ड्रिंक। एंड व्हाई आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, यार इंग्लिश मैं पूरे दिन बात कर सकता हूँ यार, क्या कर रहे हो यार। ठीक है, हॉर्लिक्स पीऊँगा, उसके साथ ये बिस्किट खाएंगे, फिर मज़े करेंगे, ठीक है। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ मेरे घर के गैराज में। सो दिस इज़ माई गराज, आपको दिखा देते हैं। सो ये मेरे पापा जी का बाइक है, अभी मैं उलट जाता यहाँ पे, अभी टक्कर खा गया था। सो कोई मुझे पसंद नहीं करता यार, कभी भी ये भी लात मार देता मेरे को। और मेरी फेवरेट, मेरी पसंदीदा ये है मेरी साइकिल, मेरे साथी, मेरे हाथी मेरे साथी जैसा है, ये मेरे साथ क्लास 11 से रहा है। एंड अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ, आई एम इन कॉलेज, पास आउट कर गया हूँ, क्या इन क्या अभी क्या, अभी जॉब करने की उम्र हो चुकी है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे घूम के व्लॉग्स बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हो मैं कितना वेला बैठा हूँ, ठीक है। एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना चाहता था कि ये हमारे घर का आम का पेड़, दिस इज अ मैंगो ट्री, यहाँ पे आम होते हैं एंड काफ़ी सारे आम होते हैं, बट इस पेड़ का एक खासियत है, ये एक साल देता है और एक साल नहीं देता है। लॉल, के गलत साल आई डोंट थिंक सो, बट ठीक है, अगर लगा हो तो लगा है, ठीक है यार। अमेजिंग लाइफ गाइज, अमेजिंग लाइफ, पहली बार कर रहा हूँ, कुछ गलतियाँ हो रही है तो भर के गाली दो यार, दो गाली बनता है, गाली देना, दे दो गाली, सुन लूँगी, सुन लेंगी, क्या क्या चल, ठीक है। तो ये है हमारा घर का आम का पेड़, सो यहाँ पे आम होते हैं, एक साल यहाँ पे फल होता है, एक साल नहीं होता है। बट जब यहाँ पे, आप लोगों को पता होगा कि वेस्ट बंगाल में फ्लड्स हुए थे, फ्लड्स नहीं, एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म आया था आमफान नाम का, तो यहाँ यहाँ तक पानी थी, यहाँ यहाँ तक इतना इतना पानी था, इधर पूरे इस एरिया में यहाँ इतना तक पानी था। एंड हम लोग खुशकिस्मत है कि ये गिरा नहीं। और हमारे घर पे एक और स्पेशलिटी है कि नारियल का पेड़ भी है। सो दिस इज़ द कोकोनट ट्री गाइस, दिस इज़ द कोकोनट ट्री, बड़ा लंबा है, इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था जब मैं छोटा था। आप देख सकते हो यहाँ पे तोड़ फोड़ मचा दिया है मैंने, ये देख सकते हो, ये मेरा ही किया धड़ा हुआ है। एंड करता था कोशिश, यहाँ पे है नारियल, कभी भी किसी के सड़क के ऊपर पड़े तो
देखना पड़ेगा यार, कभी मैंने किसी के सर के ऊपर फोड़ा नहीं, अगर गिरता है फूटता है तो क्या होगा। वैसे यार अगर सर पे नारियल फूट जाए तो क्या होगा यार, कभी देखना पड़ेगा यार। ऊपर से गिर रहा है क्या? नहीं गिर रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए नहीं गिर रहा है। तो ये हमारा नारियल का पेड़ है, दिस इज द कोकोनट ट्री एंड दिस इज द मैंगो ट्री। दिस इज द मैंगो ट्री, ओके। और ये हूँ मैं, जो एक बहुत ही सीधा साधा बंदा हूँ, एंड दिस इज माई हाउस, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा ब्रो, अरे इसीलिए बोला कमेंट में भर भर के गाली दो यार, नहीं होगा ऐसे मेरे से, नहीं होगा। इट वॉन्ट कम आउट गुड इफ यू विल नॉट गिव मी स्लैंग। अरे काहे को इंग्लिश में बात कर रहा हूँ ब्रो, इंग्लिश में बात करने का ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता है मेरे को तो। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मिलते हैं दोपहर को, क्योंकि मेरा स्ट्रीमिंग शेड्यूल चालू होने वाला है। अगर किसी को पता नहीं है, आई एम अ कास्टर एंड आई डू कास्ट ई स्पोर्ट गेम्स प्रोफेशनली, एंड अभी मैं ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहा हूँ। सो मिलते हैं शाम को। एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है, नया गेम है, तो मजा तो बहुत आएगा। आई गेस ऑडियंस में भी यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे सभी लोग। एंड आई गेस जो नए नए जो रहे हो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम, शेयर द स्ट्रीम एज वेल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सारे के सारे टीम ऑलमोस्ट यहाँ पे जुड़ चुके हैं। बर्मुडा डे में पहला मैच होने वाला है, एंड बर्मुडा डे एक ऐसा मैप है जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था फ्री फायर में, तो इसीलिए फेमिलियर होंगे बहुत सारे प्लेयर्स इस मैप से, एंड प्लेयर्स जो खेलेंगे यहाँ पे वो काफी अच्छा गेम पे दिखाएंगे। देखते हैं ओके सो गाइज आई एम डन विथ माई कास्टिंग। तो अभी बज रहे हैं 9 एंड कास्टिंग हो चुका है, एंड आई एम प्रिटी टायर्ड, और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। एंड आई गेस कास्टिंग बहुत ही ज़्यादा ड्रेनिंग हो जाता है, क्योंकि 3 घंटे 3.5 घंटे कंटिन्यूसली बोलते रहना पड़ता है कास्टिंग में, और काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होता है। एंड आई गेस अभी मेरा एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, क्योंकि मेरा पता नहीं आज दोपहर के बाद से क्या हो गया, शोल्डर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो आई डोंट नो, तो आई नीड टू डील विथ इट। और काफ़ी ज़्यादा रोने जैसा हालत हो गया था मेरा, एंड आई गेस ऑलमोस्ट रोने ही वाला था मैं, बट सख्त लौंडा बनना पड़ता है कभी कभी। सो ओके, तो जाएंगे अभी बाहर डॉक्टर के पास, एंड पापा के दोस्त का बर्थडे भी है, तो अच्छा खाना मिलेगा, खाना खाएंगे। ओके सो उसके बाद वापस आएंगे घर एंड फिर सोएंगे। आपने क्या सोचा रात को क्या करेंगे? हाँ कुछ नहीं करेंगे, अभी जाएंगे बाहर। सो रेडी हो लेते हैं गाइस, रेडी। ओके सो गाइस आई एम रेडी टू गो टू माय डॉक्टर, एंड फिर पार्टी में जाना है। पार्टी नहीं बोलूँगा, इस लॉकडाउन में पार्टी तो नहीं हो रहा है, बट पापा के दोस्त का बर्थडे है, तो एक छोटा सा इंतज़ाम किया गया है उनके लिए, एंड सब खाना पीना करेंगे, एंड फिर पापा के दोस्त के सब बेटे भी आएंगे, तो मेरे जो दोस्त हैं एंड मैंने कुछ भैया भी हैं जो होंगे, तो थोड़ा सा उन लोगों से बहुत दिन बाद मिलूँगा भी, एंड बातचीत भी हो जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से किसी के साथ भी मिलना जुलना नहीं हो रहा है। एंड आई होप कि आप सभी का भी यही सेम ओपिनियन होगा, कि आपके रिलेटिव्स एंड जो भी सारे दोस्त होंगे, स्कूल के दोस्त होंगे, कॉलेजेस के दोस्त होंगे, मैं भी अपने स्कूल के दोस्तों के साथ किसी के साथ भी मिल नहीं पा रहा हूँ, जो कि एक्चुअली मेरे साथ भी हो रहा है। एंड जो कि ऑब्वियसली बात है, वो तो बुरा तो लगता ही है, क्योंकि कौन नहीं चाहता दोस्तों के साथ बैठना, एंड वो बाहर जाना घूमना, वो सब मिस कर रहे होंगे, बट कुछ नहीं कर सकते, अभी पैंडेमिक चल रहा है तो सभी को सेफ रहना पड़ेगा। बहुत हो गई ज्ञान की बातें, तो लेट्स गो आउट, एंड ऐसे तो ऑब्वियसली नहीं जा सकता, तो मैं कुछ भूल रहा हूँ, दैट इज माई मास्क। सो दिस इज माई मास्क, एंड गाइज प्लीज मास्क के बिना बाहर मत ही जाइए। तो मास्क मैंने ले लिया है, मास्क को मैं लगा लूँगा, और फिर पापा आ रहे हैं, पापा आते ही पापा के साथ बाहर जाना, सो लेट्स रोल। ओके गाइज सो पापा आ चुके हैं और हम जा रहे हैं बाहर, बाहर का रास्ता तरफ है, किसी दिन घर वाले बोलेंगे जा बेटा जा, इसी रास्ते से बाहर निकल जा, घर से बाहर निकल जा, तो
थोड़ा सा ड्रामा हो गया, चलो निकलते हैं वरना पापा डांटेंगे, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। चलो बाय गाइस। ओके गाइस, तो मैं घर वापस आ चुका हूँ फ्रॉम द पार्टी। पार्टी नहीं, मैंने बोला था छोटा रास्ता अरेंजमेंट है, पार्टी नहीं था, जो भी हो मैं घर वापस आ चुका हूँ एंड इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग। तो व्लॉग को खत्म करना पड़ेगा, खत्म। टाइम हो रहा है 11:15 एंड जो हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए तो ये शाम है, शाम बड़ी मस्तानी। ठीक है, शाम बड़ी मस्तानी, वो तो हॉस्टलर रिलेट कर पाएंगे। तो जो हॉस्टलर है वो नाटी नाटी बॉयज फ्रॉम द बॉयज हॉस्टल, जो एलपीयू से हैं वो रिलेट जरूर कर पाएंगे, जो दूसरे हॉस्टल से भी वो लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि 11:15 के बाद हॉस्टलर्स का शाम शुरू होता है, तो अलग ही चीज होता है वो। तो आप जो हॉस्टलर्स है वो एक्सपीरियंस करेंगे एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड फिलहाल के लिए गाइस थैंक यू, ये मेरा पहला स्टेप है, तो आई होप कि आप लोगों को सभी को कंटेंट पसंद आएगा। एंड अगर पसंद आए तो प्लीज शेयर करना, एंड अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है इस ब्लॉग को, क्या ही कर रहे हो भाई लोग, क्या ही कर रहे हो, जाओ फटाफट जाओ यार, जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा देना। एंड तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, सी यू, सायोनारा, गुड नाइट एंड पीस आउट गाइस, पीस आउट एंड स्टे सेफ गाइस, स्टे सेफ।